चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी जिले के मिश्री गांव में आरपी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2023-24 का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 10 गेम रखे गए हैं जिनमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों से आज हम बातचीत करेंगे, वो आज इस इवेंट के दौरान कैसा महसूस कर रहे हैं। बच्चों से हम बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से इवेंट चल रहे हैं और किस तरह से इन्होंने तैयारियां की हैं। क्या नाम है? राची सर। कौन सी क्लास से? प्लस वन आर्ट से। स्कूल वालों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, अच्छे से मेहनत की है, बहुत दिनों से मेहनत चल रही है, मार्च पास के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? सभावना। कौन सी क्लास? प्लस वन आर्ट्स। अच्छा, आप हाउस के बीच एक कंपटीशन तो होगा ना कि हमारा हाउस अच्छी परफॉर्मेंस करे? सर कंपटीशन तो है, बहुत ज्यादा है, कम्पीट वाले बच्चे भी हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो अभी देखने में लग रहा है कौन सा हाउस आएगा। आपके हाउस का क्या नाम है? मदर टेरेसा। संजना। कौन सी क्लास से? प्लस वन आर्ट्स। आपके हाउस का क्या नाम है? कल्पना चावला। कितनी मेहनत की है कि आपका हाउस नंबर वन पे आ सके? नंबर वन के लिए तो सर की है, मतलब बेस्ट देने की वो की है, बाकी नंबर वन तो देखे जाएगा अभी। अभी रिजल्ट नहीं आया। आपका क्या नाम है? सविता। कौन सा हाउस है? एपीजे अब्दुल कलाम। आपने कितनी तैयारियां की है? सर सभी बच्चे अपना बेस्ट ही दे रहे हैं, कोशिश तो यही है कि सबसे ऊपर हम ही चले, बट सभी बच्चे अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। सर लगभग सभी बच्चों को मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का, जीतना जरूरी नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट करना जरूरी है। सर कोच राजेश तक्षक एक्स आर्मी। खेल शामिल किए गए इसमें? इसमें सर 10 इवेंट शामिल किए गए हैं जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो, जेवलिन और मिडिल रिले, 4x100, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर। बच्चे कितना रुचि दिखा रहे हैं सर? बहुत जबरदस्त रुचि दिखा रहे हैं सर, और कम अभ्यास में इतना ज्यादा चल रहा है। हम की बार कम अभ्यास था बच्चों का, लेकिन काफी रुचि देखते हुए और भी ज्यादा अभ्यास कराएंगे हम। और यहाँ पर प्रिंसिपल से बातचीत करने वाले हैं कि आज जो स्पोर्ट इवेंट किया जा रहा है वो कौन सा इवेंट है और आगे क्या तैयारियां रहेंगी। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम संगीता यादव है। आज जो इवेंट करवाया जा रहा है ये कौन सा इवेंट है? ये हमारी आरपीएस चरखी दादरी में ये ब्रांच इसी सेशन से शुरू हुई है, तो ये हमारा पहला स्पोर्ट्स इवेंट है, ये हमारी एनुअल स्पोर्ट्स मीट है और इसकी हमने बहुत अच्छे से तैयारी की है। हम हमारी चेयरपर्सन मैम पवित्रा राव जी को फॉलो करते हैं, वो चाहती है कि एकेडमिक्स में तो आरपीएस ऑलराउंडर है ही, बहुत अच्छा कर ही रहा है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम जो गवर्नमेंट है उसका थीम है खेलो इंडिया, उसके ऊपर भी फोकस्ड हैं। इस बार भी हमारे कम से कम 40 स्टूडेंट्स ने स्टेट क्वालिफाई किया है और हमारी जो टीम्स हैं वो स्टेट खेल कर भी आई हैं और उसी के लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जो हमने तैयार किया है स्पेशली बच्चों के लिए, जहाँ पे आसपास के बच्चे शाम को भी आते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस, वो शाम को यहाँ आते हैं, हमने कोच भी अवेलेबल कराए हैं, वो उनकी यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। हाउस के इवेंट होते ही रहते हैं लेकिन एनुअल स्पोर्ट्स मीट तो साल में एक बार होती है जिसमें सारे हाउसेज अपना पूरा दमखम लगाते हैं, हाउस अपनी अपनी तैयारियाँ करते हैं इस दिन के लिए कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट जब होगी तो हमें एक दूसरे को टक्कर देना है और हाउस ऑफ द ईयर जो टूर्नामेंट होता है, हाउस ऑफ द टूर्नामेंट जो पूरे साल के लिए एक निष्कर्ष निकलता है उस हाउस के लिए। अगर बात करें तो मैम पढ़ाई के साथ साथ खेल क्यों आवश्यक है? देखिए बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट होना जरूरी है लेकिन विदाउट फिजिकल फिटनेस के वो पॉसिबल नहीं है, तो बच्चे का हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी रहना बहुत जरूरी है और आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो घर पे बच्चों को इतना नहीं मिलता, वो मोबाइल में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो स्कूल एकेडमिक्स के साथ साथ उन बच्चों को गेम पीरियड भी प्रोवाइड करता है ताकि उन बच्चों का एक फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो जरूरी है, वो होता रहे, बच्चे हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी माइंड रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे और खेलों में भी वो अपना दम दिखा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि इस वक्त आरपी स्कूल से प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना है कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना भी काफी आवश्यक होता है क्योंकि पढ़ाई में तो उन्हें एक अवसर मिलता ही है लेकिन अगर खेलों में भी अगर वो रुचि दिखाते हैं तो उनके करियर की और ऑप्शनों की शुरुआत हो जाती है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो खेलों में भी अपना करियर बना सकते हैं। राजेश कुमार नाम है जी। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, इसी स्कूल में। कौन सी क्लास में? एक 6th क्लास में जी, एक 8th क्लास में। क्या उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया आज गेम में? हाँ जी, इसमें पार्टिसिपेट है बच्चे। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ाई के साथ साथ खेल क्यों आवश्यक है, क्या लगता है आपको? खेल से बच्चे का जी एक तो उसको कंपटीशन की भावना उसके अंदर जगेगी, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि उसके अंदर कंपटीशन की भावना आएगी, शारीरिक साइड से बच्चा का थोड़ा एक पढ़ाई से कुछ टाइम मिलेगा खेल की साइड पे, तो उसका ध्यान थोड़ा एक तो एक पढ़ाई की तरफ ही ध्यान रहे, एक थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देगा तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा और स्पोर्ट्स का आज के दिन बहुत ज़्यादा वो है इमेज है। जी सर, आपका नाम? मनदीप सांगवान। सर आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? मेरा बेटा है 9th में, ठीक पढ़ रहा है, काफ़ी अच्छा। अच्छा सर, आपका बच्चा खेलों में भी आगे जा सके क्या इसके लिए आप कोई प्रयास करते हैं?
हाँ बिल्कुल, स्कूल को बोला हुआ है कि एक्स्ट्रा टाइम दें उनको, और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एक माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड रिफ्रेश होता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से। पार्टिसिपेट कर रहा है वो, काफ़ी अच्छा कर रहा है। इस वक्त मुख्य अतिथि स्कूल के प्रांगण में पहुंच चुके हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है, गाँव मुंडाना है, और मैं यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए एईओ के पद पर जो कार्यरत हूँ पिछले 7 साल से, और आज जो आरपी स्कूल है इसके एथलीट मीट में जो है मेरे को मुख्य अतिथि बनाया गया है। जरूरी है ये सारे, और ये एथलीट मीट जो है एजुकेशन का एक विशेष हिस्सा होता है। ये पहले कॉलेज में होती थी, अब ये स्कूलों में भी जाने लगी, और आने वाले टाइम में और भी इसका चरम ज्यादा होगा। मैं राजेश शर्मा, और मैं भी आज सर के साथ में आए हैं, और बड़ा खुशी का मौका, क्योंकि फिजिकली फिट होना सबसे पहले जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, वो चाहे फिर कोई भी लाइन, और खेल हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और उसके लिए सर आए मोटिवेशन करने के लिए बच्चों को, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।